Hello everyone, this is Vagyas and in this video I'm going to showing you how we can set up and configure Kali Linux on AWS. गाइज इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हम काले लिनक्स को क्लाउड के ऊपर कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर को यूज़ में ले सकते हैं, जैसे कि अमेजोन, AWS, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और डिजिटल ओसन। तो इनमें से आप किसी को भी यूज़ में ले सकते हैं, बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको अमेजोन AWS के ऊपर काले को कैसे कन्फिगर करना है वो दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको नोट्स शो हो रही है, तो इस नोट्स के अंदर मैंने वो स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया है कि आपको किस तरह से किस स्टेप को फॉलो करना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप है AWS और एनी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे मैं AWS को यूज़ में लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि AWS का जो डैशबोर्ड है, लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको आपका AWS अकाउंट को वेरीफाई करवाना होगा। तो जैसे ही आपका AWS वेरीफाई होता है, आपको 12 मंथ फ्री देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलवेज फ्री, बट ये ऑलवेज फ्री नहीं है, यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है और कुछ यहाँ पे उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है। तो इनका ये जो FAQ का पेज है, यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन और आंसर देखने को मिल जाता है। तो पहले मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार इनकी टर्म्स एंड कंडीशन और जो FAQ का सेक्शन है एक बार रीड कर लीजिए, और इसके बाद आप इस सर्विस यूज़ में ले। तो यहाँ पे आप उनकी जो लिमिटेशन है उसे एक्सीड कर देते हैं, तो यहाँ पे मंथली बेसिस के ऊपर आपका बिल जनरेट होगा। तो अगर आप इन जनरेटों में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एक बार ये सब चेकआउट कर लेना। नोट्स और FAQ सेक्शन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम आते हैं सेकंड स्टेप की ओर। तो सेकंड स्टेप है क्रिएट काली इंस्टेंस अंडर अ फ्री टियर। तो इतना होने के बाद आपको यहाँ पे ऑल सर्विसेज को क्लिक करना है, और इनमें से जो फर्स्ट वन है EC2 इलास्टिक कंप्यूटिंग क्लाउड, इसे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है, और इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है इंस्टेंसेस के ऊपर। तो इसके बाद आपको यहाँ पे रिसोर्सेज टैब के अंदर रनिंग इंस्टेंसेस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पे एक इंस्टेंस मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। तो ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, इसलिए यहाँ पे ये इस तरह से शो हो रहा है, बट आपके केस में यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। तो सिंपली यहाँ से आपको क्लिक करना है लॉन्च इंस्टेंसेस के ऊपर। तो जैसे यहाँ पे आप लॉन्च इंस्टेंसेस के ऊपर क्लिक करोगे, तो इस तरह से आपको ये पूछेगा AMI चूज करने को। तो AMI के अंदर हमें यहाँ पे सर्च करना है Kali Linux, और यहाँ पे आपको कुछ रिजल्ट शो करेंगे। तो फर्स्ट वन यहाँ पे जो रिजल्ट है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको Kali Linux यहाँ पे शो होगा, तो इसे यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इंस्टेंस टाइप और उनके जो आवरली बेसिस के ऊपर जो चार्ज है उसका एक पूरा कॉलम शो करेगा। तो गाइस डोंट वरी अबाउट द चार्जेस बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज फ्री टियर। सो सिंपली क्लिक ऑन कंटिन्यू, एंड तो यहाँ पे आपको जो ग्रीन मार्क शो हो रहा है फ्री टियर एलिजिबल, इसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट। तो अगर आप इसके अलावा किसी और इंस्टेंस टाइप को सिलेक्ट करेंगे तो उसी टाइम से आपका बिल जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको फ्री टियर के अंदर ही यूज़ में लेना है तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोई भी इंस्टेंस टाइप को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो इतना होने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर इसे लीव एज इट इज़ एंड ओवर हियर क्लिक ऑन एड स्टोरेज। अगर आपने FAQ सेक्शन पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा, तो यहाँ पे फ्री टियर के अंदर आप 30 GB EBS स्टोरेज को यूज़ में ले सकते हैं मैक्सिमम। तो ऑलरेडी जो मैंने प्रीवियसली जो इंस्टेंस क्रिएट किया था उसको मैंने 10 GB अलोकेट की थी, तो अभी मेरे पास फ्री टियर के अंदर ओनली 20 GB ही बची है। तो मैं यहाँ पे 20 GB को ही यूज़ में ले सकता हूँ, बट आपके केस में आपको 30 GB मिलेगी तो आप यहाँ पे 30 GB यूज़ में ले सकते हैं। तो इतना होने के बाद इसे आपको यहाँ पे रिव्यू एंड लॉन्च के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप फ्री टियर के अंदर है तो आप 30 GB को ही मैक्सिमम यूज़ में ले सकते हैं। तो इससे ज़्यादा अगर आपको स्टोरेज में यूज़ में लेना है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस को पे करना होगा। तो इस तरह से आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे सिलेक्ट करना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है एडिट सिक्योरिटी ग्रुप्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें
काली को RDP के थ्रू एक्सेस करना है। तो RDP के लिए हमें यहाँ से पोर्ट को ओपन करना होगा 3389, तो ऐड रूल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हमें चूज करना है RDP। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली 3389 पोर्ट को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से सोर्सेस के अंदर जो कस्टम है उसकी जगह आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एनीवेयर, और देन यहाँ पे आपको रिव्यू एंड लॉन्च के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप फाइनली अपनी सारी सेटिंग्स को एक बार रिव्यू और लास्ट टाइम यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, और अगर आप श्योर है 100% तो यहाँ पे आप लॉन्च के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही लॉन्च के ऊपर आप क्लिक करोगे फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे आपको की पेयर जनरेट करनी होगी। तो की पेयर को आप एक तरह से अपना पासवर्ड भी कंसिडर कर सकते हैं, तो मेक श्योर कि आप इसे एक सेफ प्लेस के ऊपर सेव करके रखिए। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल, और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कोई भी रैंडम नेम, आप कोई भी नेम यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड की पेयर के ऊपर क्लिक कर देना है, तो इसे आपको यहाँ पे सेव कर देना है। सेव होने के बाद यहाँ पे आपको लॉन्च इंस्टेंसेस के ऊपर क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर इंस्टेंस आर नाउ लॉन्चिंग, तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है जो इंस्टेंस आईडी आपको शो हो रही है, और इस तरह से आप यहाँ पे आप अपने इंस्टेंस की डिटेल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंटरफेस काफ़ी सिंपल है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटरफेस को चेंज कर दिया। अगर आप न्यू इंटरफेस के साथ कंफर्टेबल है तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपलिसिटी के लिए, तो मेरी सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे मैं इसे नेम देता हूँ काली, और इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो काली लिनक्स है वो अभी यहाँ पे स्टेट है उसका रनिंग शो हो रहा है, और जो स्टेटस चेक है अभी वो इनिशियलाइजिंग है। तो जब तक ये यहाँ पे फाइनलाइज नहीं हो जाता हम यहाँ पे वेट करेंगे। तो यहाँ पे आप स्टेटस चेक के अंदर आपको ग्रीन साइन शो होगा, इसका मतलब कि तो यहाँ पे हम अब इंस्टेंस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टेप 2 तक कंप्लीट कर लिया, अब यहाँ पे स्टेप 3 के अंदर है मेक SSH कनेक्शन टू काली इंस्टेंस। तो यहाँ पे हम अब SSH के थ्रू हमारे काली के साथ कनेक्ट होंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं, और यहाँ पे जो फाइल मैंने डाउनलोड की है वो डाउनलोड्स डायरेक्टरी के अंदर है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नेविगेट करेंगे डाउनलोड डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ पे आपको अपने कर्सर को इस तरह से लाना है और काली के ऊपर राइट क्लिक करना है और कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ से आप इसे कॉपी कर सकते हैं, तो इस तरह से आप इसे कॉपी कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो रूट है इसकी जगह पे आपको काली टाइप करना होगा। तो इतना टाइप करने के बाद आपको एंटर क्लिक करना है। ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करने से पहले आपको पूछेगा, तो यहाँ पे आपको सिंपली यस टाइप करना है, और जैसे कि गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम सक्सेसफुली काले मशीन के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर मैं WhoAmI टाइप करता हूँ तो आपको यहाँ पे काली शो हो रहा है। अब यहाँ पे हम लॉग इन करेंगे एज ए रूट यूजर, तो सिंपली टाइप करना है sudo su। तो इतना होने के बाद ये यहाँ पे आप WhoAmI टाइप करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे रूट यूजर शो करेगा। तो मतलब कि अब हम यहाँ पे एज अ रूट लॉग इन है। अब बढ़ते हैं स्टेप 4 की ओर। तो स्टेप 4 के अंदर यहाँ पे आपको अपडेट द पैकेजेस एंड सेटअप RDP सर्वर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो पैकेजेस है और जो उनकी रिपोजिटरीज है उसे हम यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे इसे कॉपी करना है और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है और एंटर बटन को हिट करना है। तो यहाँ पे जो पैकेजेस को अपडेट एंड अपग्रेड का प्रोसेस डन होने के बाद हम यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं RDP सर्वर को। तो यहाँ पे मैं कमांड को टाइप करना भूल गया, तो कोई बात नहीं, तो कमांड को यहाँ पे टाइप कर लेते हैं apt get install xrdp। तो इस कमांड को यहाँ पे आपको इस तरह से कॉपी करना है और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसे यहाँ पे यस कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RDP सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे इसके बाद हमें कुछ कमांड है इसे यहाँ पे इस तरह से टाइप कर देना है, तो ये यहाँ पे RDP को स्टार्ट कर देगा फिर से। और इसके बाद अगर आप जब भी अपने सिस्टम को रिबूट करोगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम बूट होने के ऊपर ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको हर बार SSH करके इसे यहाँ से एनेबल करना नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RDP तो इंस्टॉल हो गया, बट अभी हमें यहाँ पे कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे हम जो काली इंस्टॉल करते हैं AWS के अंदर, तो हमें यहाँ पे ओनली कमांड लाइन मोड ही मिलता है। जो फिफ्थ स्टेप है इसके अंदर हमें यहाँ पे सेटअप करना होगा, यानी कि हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा XFC को। तो XFC को इंस्टॉल करने के लिए आपको इस कमांड को कॉपी करना है और इसे जाके कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर पेस्ट कर देना है। तो गाइस यहाँ पे ये कुछ टाइम लेगा GUI को सेटअप करने में। तो यहाँ पे गाइस जो लोग ये सोच रहे हैं कि काली लिनक्स को हम फ्री में यूज़ करेंगे, तो आप फ्री में तो यूज़ कर सकते हैं इसे,
बट अगर आपको इसको हैवी यूजेज करना है तो आप फ्री टियर के अंदर नहीं कर पाओगे, क्योंकि फ्री टियर के अंदर कुछ लिमिटेशन है। आपको 1 GB रैम ही मिलती है और 1 GB रैम के अंदर खाली के हैवी टूल्स को रन करवाना ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्या कर सकते हैं कि AWS की जो कुछ इवेंट्स होती है आप उसमें ऑनलाइन पार्ट ले सकते हैं, और आप एलेक्सा स्किल्स को डेवलप करके कुछ क्रेडिट्स AWS से ले सकते हैं। तो इसके बारे में अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं हाउ टू गेट फ्री AWS क्रेडिट्स। तो गूगल के ऊपर आपको उसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं XFC का जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है पासवर्ड स्पेस यूजर नेम काली, और यहाँ पे फिर से पासवर्ड को आपको सेटअप कर लेना है। तो विंडोज़ के अंदर आपको उनका डिफॉल्ट रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन क्लाइंट देखने को मिल जाता है, तो इसे आपको यहाँ पे ओपन करना है और यहाँ पे आपको आपकी काली मशीन की IP टाइप करनी है और कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। यूजर नेम काली और जो भी पासवर्ड आपने सेट किया उसे आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है, और जो भी आपने पासवर्ड रिसेंटली सेटअप किया उसे आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे हम अपने काली लिनक्स के अंदर लॉगिन हो चुके हैं, और फिर से यहाँ पे आपको उस पासवर्ड को टाइप कर देना है और ऑथेंटिकेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो बूम गाइज यहाँ पे हमने सक्सेसफुली काली को क्लाउड के ऊपर सेटअप कर लिया। अब यहाँ पे मैं आपको शो करवा देता हूँ कि अब जब आप इसे इनिशियली इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पे टूल्स के अंदर कुछ भी दिखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको Step 6 के अंदर एक कमांड दिखने को मिल जाती है जो आपके A to Z टूल को इंस्टॉल कर लेगी। तो इस कमांड के थ्रू आप अपने काली के A to Z जो टूल्स है इसे आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। कमांड को यहाँ पे आपको इसे कॉपी करना है। तो अब यहाँ पे आप काली के अंदर के जो टर्मिनल है इसे भी यूज़ में ले सकते हैं, तो या तो फिर आप यहाँ पे जो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू SSH कनेक्शन है उसे भी यूज़ में ले सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट को प्रेफर करूँगा, इसे यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एंटर बटन को हिट करना है। तो यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि यहाँ पे ये काली के A to Z टूल्स को डाउनलोड करेगा, इसके बाद उनको इंस्टॉलेशन करेगा। तो यहाँ पे हमें एक एरर आ गई है जो कि ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्शन रिसेट बाय पियर, ओके डोंट वरी। तो यहाँ पे जो आपको कमांड शो हो रही है इसे आपको यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे इसे पेस्ट करके एंटर को प्रेस कर देना है, ओके। तो इसे आपको यहाँ पे सिंपली हटा देना है और इस तरह से आपको इसे यहाँ पे एंटर बटन को प्रेस कर देना है। तो कोई बात नहीं, फिर से हम यहाँ पे सेम कमांड को टाइप करेंगे काली लिनक्स लार्ज, या तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अब यहाँ पे ठीक हो चुका है। तो जैसे कि गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी टूल्स यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। तो इतना होने के बाद एक बार यहाँ पे हम काली मशीन को एक बार रिबूट कर लेते हैं। तो रिबूट के लिए आपको सिंपली टाइप करना होगा रिबूट कमांड को और एंटर बटन को प्रेस करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी कनेक्शन थे जो कि SSH और RDP का वो टर्मिनेट हो चुका है, और यहाँ पे हमारी काली मशीन एक बार रिबूट हो जाएगी। तो यहाँ पे 6 स्टेप तक हमने सब कुछ सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर और इंस्टॉलेशन कर दिया है। तो यहाँ पे हम अब RDP क्लाइंट को ओपन करेंगे और अपनी AWS की जो IP है इसे यहाँ पे टाइप करेंगे। इस तरह से आपको IP यहाँ पे देखने को मिल जाती है, या तो फिर अपने यहाँ पे पब्लिक DNS है उसे भी आप यूज़ में ले सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, इस तरह से अगर आपको कुछ शो करे तो यस के ऊपर क्लिक करना है, और यूजर नेम में आपको आपका काली टाइप करना है और पासवर्ड आपने जो सेट किया उसे यहाँ पे टाइप करके ओके प्रेस कर देना है। और अगर फिर से यहाँ पे पासवर्ड पूछे तो यहाँ पे सिंपली आपको टाइप कर देना है जो आपका पासवर्ड है, और यहाँ पे हम लॉग इन हो चुके हैं। यहाँ पे आप एक बार चेक कर लेते हैं कि सारे टूल्स इंस्टॉल हुए हैं या नहीं। तो गाइज यहाँ पे आप वन बाय वन देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस, डेटाबेस असेसमेंट, पासवर्ड अटैक्स, वायरलेस अटैक्स, रिवर्स इंजीनियरिंग, एक्सप्लोइटेशन टूल्स, स्नीफिंग, स्पूफिंग, पोस्ट एक्सप्लोइटेशन, फॉरेंसिक्स, रिपोर्ट टूल्स, सोशल इंजीनियरिंग एंड सिस्टम सर्विसेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो काली के अंदर आपको टूल्स मिलते हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे nmap को एक बार ओपन करके चेक कर लेते हैं, तो
तो यहाँ पे सिंपली टाइप करता हूँ एन मैप। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एन मैप यहाँ पे परफेक्टली काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूँ। स्पीड टेस्ट CLI, यहाँ पे मैं CLI मोड को यूज़ में ले रहा हूँ, आप ग्राफिकल को भी यूज़ में ले सकते हैं। सो एज यू कैन सी गाइज, डाउनलोड स्पीड इज 947 Mbps एंड अपलोड स्पीड इज 865 Mbps। तो इस तरह से आप काली लिनक्स को क्लाउड के अंदर इंस्टॉलेशन एंड देन सेटअप कर सकते हैं। तो जब भी आपको इंस्टेंस को यूज़ करना हो, तब यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके इस तरह से स्टेट के अंदर जाके स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। और अगर आपको लगे कि आपको अभी इसे यूज़ नहीं करना है, तो आप इसे यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हैं। और अगर आपको इंस्टेंसेस को डिलीट करना है, तो यहाँ पे आपको टर्मिनेट के ऊपर क्लिक करके इसे आप यहाँ पे टर्मिनेट कर सकते हैं। तो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ कि टर्मिनेट कैसे करना है। इंस्टेंस स्टेट में जाना है और इसे अगर आपको डिलीट करना है परमानेंटली, तो टर्मिनेट के ऊपर क्लिक कर देना है। एक बार आपने इसे टर्मिनेट कर दिया, तो फिर आप इसे रिकवर नहीं कर पाओगे। टर्मिनेट का मतलब होता है परमानेंटली डिलीट। तो यहाँ पे आपको इसे यस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप काली इंस्टेंस को क्रिएट करने से लेके इंस्टॉलेशन से लेके कन्फिगर एंड देन इस तरह से आप इसे रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को कीजिए लाइक शेयर, और आने वाली और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि और भी इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चैनल के ऊपर आने वाली है। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस।